अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है इसको समझो, ठीक है, कब लगाना है और क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, तो समझो कि हमारे पास मान लो कि ना हमारे पास ना दो पॉइंट हैं, ठीक, अपने पास ना दो पॉइंट हैं ए और बी मान लेते हैं, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स टू वाई टू। और हुआ क्या कि ना एक पॉइंट पी जो है पी है ना, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो जब वो हमारी इस लाइन ए बी को, इस लाइन ए बी को कट करेगा तो कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कट करना है, नहीं डिवाइड करना, कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लो वो रेशियो जो है एम वन और एम टू है, रेशियो कितना है एम वन और एम टू है। तो देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हुआ कि पी डिवाइड्स ए एंड बी, ठीक है, पी डिवाइड्स ए एंड बी, नहीं, द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए एंड बी, या पी डिवाइड्स ए बी इन द, ठीक है, ए बी इन द रेशियो ऑफ एम वन रेशियो एम टू। देखो जब हमारी पी जो है, हमारी पी एक पॉइंट पी क्या करता है ए बी को एम वन और एम टू के रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो पी के कोऑर्डिनेट है ना बेटा, पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, पी का जो कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई है, उसको कैसे दिया जाता है, उसको जिस फॉर्मूले से दिया जाता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो हमारा पी होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्योंकि ए और बी के तो आपको पता है निकालने, तो आपको पी के कोऑर्डिनेट है ना, तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला। किससे दिए जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब समझो सेक्शन फॉर्मूला है क्या, तो पी का जो ना, आपके पी का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, वो कैसे निकलेगा, गौर से देखना, तो वो निकलेगा एम वन के साथ मल्टीप्लाई करना एक्स टू, एम वन के साथ एक्स टू मल्टीप्लाई होगा और एम टू के साथ बेटा एक्स वन, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों रेशियो का नीचे सम कर देना, एम वन प्लस एम टू कर देना। तो इस तरीके से आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और जब आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा, पी का वाई वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला, ठीक है, तो पी का जब आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा ना बच्चों, तो क्या करना है आपको, एम वन के साथ वाई टू और एम टू के साथ वाई वन, और रेशियो नीचे वही डिवाइड में एम वन प्लस एम टू। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसको तो आपको याद ही करना हो, ठीक है। हमारे जितने भी, देखो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होंगे, तो वो स्पेशल केसेस समझ लो, ठीक है, कि जैसे कि आपको बोल दे कि ना एक पॉइंट है पी, कि इफ पी बाइसेक्स ए बी, ठीक, अगर पी ए बी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये भी होता है, पता है कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, पी जो है हमारा वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे रेशियो क्या लेना है देखते जाओ, सिर्फ समझना है, ठीक है, ध्यान से आप समझना, समझने की कोशिश करना, चीजें आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसमें भूल नहीं है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें लॉजिकल ही है, ये चीज ना समझ में भी आए तो आप लॉजिक लगा लगा के कर सकते हो, पर ये समझने से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी पड़ जाता है, दैट्स ऑल, हम बहुत सारे बवाल से बच जाते हैं बस। तो देखो उस टाइम पे हमें जो रेशियो लेना है ना, अगर बाइसेक्ट का केस आता है, बाइसेक्ट का, तो जो रेशियो लेना है यानी एम वन रेस टू एम टू की जो वैल्यू लेनी है बेटा 1:1, क्योंकि एक एक बराबर बराबर टुकड़े में कट रहे हैं ना, तो रेशियो 1:1, बाइसेक्स के केस में रेशियो 1:1,
तो कुछ ऐसा केस है, डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं, कि ए था एक्स वन वाई वन और ये था एक्स टू वाई टू, ठीक है, बीच में पी मिड पॉइंट हो गया इनका, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से पी के मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करूं, सेक्शन फॉर्मूला जो कि कहता था देखो कि m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करना है। तो m1 मेरा 1 है इनटू x2 प्लस 1 इनटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो अगर सॉल्व करके देखो तो मेरा ये देखो x1 प्लस x2 बाई 2 आ गया। तो जब भी मिड पॉइंट का केस आए ना, तो पता है क्या करना है, ये जो ए का कोऑर्डिनेट दिया है वो, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया है वो, और बी का जो, और बी का भी जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया है वो, सिर्फ उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो डायरेक्ट तरीका है, अब ऐसे ना करके ना इतना लंबा ये वाले ये दो स्टेप ना परफॉर्म करके आप डायरेक्ट स्टेप से कर देंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, मिड पॉइंट के लिए चल जाता है। तो देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करना, वन इंटू वाई टू वन इंटू वाई वन अपॉन में वन प्लस वन। तो सीधे देखो y का भी डायरेक्ट आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करने हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो ये तरीका है जब बाइसेक्ट दिया होता है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का, ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब अगला केस जो है हमारे पास ट्राइसेक्ट का है, अगला केस जो है हमारे पास ट्राइसेक्ट का है, जैसे मान लो कि अगर बोलता है कि इफ पी कॉमा क्यू, अब ट्राइसेक्ट एक अकेला पॉइंट, किसी भी एक लाइन को एक अकेला पॉइंट तीन इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकता, उसके लिए दो पॉइंट तो चाहिए चाहिए। इफ पी कॉमा क्यू ट्राइसेक्ट्स ए बी, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड्स इन थ्री इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इन थ्री इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो अब देखो, तो देखो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, कई बच्चों को शायद चीजें क्लियर ना हो। तो देखो ऐसे दिया हुआ है कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट फिक्स कर लो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। अब देखो बेटा यहाँ पे ना सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, दो पॉइंट आए, एक बार तो पी आया है और एक बार क्यू आया है। पी के कोऑर्डिनेट को हमने लिया है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, क्योंकि अब एक्स वाई नहीं ले सकते ना, दो दो बात आ गई है। तो अब करना क्या है, अब पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। तो देखो अब ट्राइसेक्ट का मतलब है तीन इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, तीन इक्वल पार्ट। तो मान लो पहला पार्ट ये भी एक टुकड़ा, एक 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 हिस्सा मान लेते हैं, तीन हिस्से हुए हैं, हर हिस्से को एक 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 मान लिया। तो अब देखो बेटा, अब मुझे पी निकालना है, तो मेरे ए से पी और फिर पी से बी कितना कितना दूर, तो ए से पी कितना टुकड़ा बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है, और पी से बी तक कितने, एक प्लस एक दो पार्ट बन रहे हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, वन रेस टू टू, रेशियो क्या हो जाएगा, वन रेस टू टू, ठीक है। तो अब ठीक है, अब क्या करोगे, जब आप पी के कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे ना, ये एक्स डैश वाला, ठीक है, तो ये जो एक्स डैश निकलेगा वो फॉर्मूला देखो, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, और वाई डैश का क्या आ जाएगा, एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू। तो देखो एम वन मेरा वन है, एक्स टू मेरा फिलहाल तो एक्स टू ही है, प्लस टू इंटू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, इस तरीके से करना है। अब जो भी वैल्यू रही हो आपकी बेटा x2 की x1 की, है ना, ठीक है, और m1 प्लस m2 ऑलरेडी, सॉरी
m1 plus m2 तो अब आपको दिए हैं, m1 मेरा कितना है 1, और ये ऐसी y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 into y2 plus 2 into y1 फॉर्म में 1 plus 2, ठीक है। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि जब p का रेशियो निकालना हो, p का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो रेशियो क्या रहेगा 1:2। लेकिन अगर जब हमें q का निकालना हो, q तो देखो a से q ढूंढेंगे हम पहले, a से q फॉर q, देखो ये तो मैंने सिर्फ पता है फॉर p के कोऑर्डिनेट के लिए था, ये वाला रेशियो 1:2 p के कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि a से p फिर p से b। अब ऐसे जब q का निकालना है तो फॉर Q, Q के लिए देखो हमें पहले स्टार्टिंग पॉइंट A से Q जाना पड़ेगा, और फिर जो तो डिवाइड कर रहा है Q से फिर कहाँ जाना पड़ेगा B, तब रेशियो कितना हो जाएगा, देखो A से Q कितना दूर है 1+1 2 part, और Q से B कितना है 1 part। तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो क्या लेना है यहाँ पे 2:1, ठीक है। तो ये हमारा m1 हो जाएगा इस केस में, आप ये हमारा m2 हो जाएगा, बाकी a और b की वैल्यू तो आपको रखनी रखनी है। फिर q के लिए कैसे फॉर्मूला लगाओगे, तो q के जो कोऑर्डिनेट है x डबल डैश है x वाला, तो हमें पता है पहले m1 के साथ हम रखेंगे, ठीक है m1। अब इस बार हमारा m1 जो है, ठीक है इस बार q के लिए m1 जो है बेटा वो हमारा 2 है, और m1 के साथ जाता है x2, ठीक है, और m2 जो कि इस बार हमारा 1 है उसके साथ जाएगा x1, और नीचे 2+1। ऐसे ही y डैश जब निकालेंगे आप, ठीक है y डैश निकालेंगे तो m2 पहले लिखा जाएगा, ठीक है m1 पहले लिखा जाएगा, m1 आपका कितना है 2, ठीक है y डैश के लिए क्या करोगे पहले m1, m1 इस बार इस केस में 2 है, उसके साथ जाएगा y2 प्लस m2 जो कि 1 है उसके साथ जाएगा y1 अपॉन में m1 प्लस m1 प्लस, ठीक है सीधे आप वैल्यूज रखनी है। अब केस 3, टोटल 4 केसेस बनते हैं, 4 स्पेशल केसेस हैं, तो केस 3 अब 3 पार्ट भी हो गए। अब 4 इक्वल पार्ट्स की बात आती है, इफ P, Q, R divides AB into four equal parts. तो आपको और से समझना भैया, ये देखो डायग्राम समझो, डायग्राम ये मेरा A है, ये मेरा B है, इनके तो वैल्यूज फिक्स हैं x2 y2 x1। अब यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट हैं, एक है P, 3 पॉइंट है Q और R। पहले P, P, Q, R। इसके कोऑर्डिनेट्स को बेटा मान लेते हैं, देखो x डैश y डैश, इसके के x डबल डैश y डबल डैश, इसके x ट्रिपल डैश y ट्रिपल, ठीक है इस तरीके से मान लेते हैं। तो अब मैंने तुम्हें बोला ना सबको 1-1 मार्क करो, 1-1-1-1, तो मुझे पहले p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं p, फॉर p। तो p के लिए हमें पहले a से p जाना पड़ेगा, और फिर p से एंड पॉइंट b जाना पड़ेगा। तो A से P कितना पार्ट है बेटा, 1 पार्ट है, और P से B कितना है 1+1+1 3 part, 1:3। देखो ना 1+3 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं ना, ठीक है। तो Q के लिए क्या करना है सुनो, तो P के लिए तो रेशियो क्या रहेगा 1:3 AP:PB। अब Q के लिए क्या रेशियो लेना, देखो बेटा A से पहले जाना है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट A से, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं Q तक, फिर Q से एंडिंग पॉइंट B तक। तो देखो A से Q है 2, A से Q है 2, और Q से B भी है 2, और जब रेशियो सेम होना जैसे 2:2 तो मिड पॉइंट बन जाता है,
क्या बन जाता है यहाँ पे मिड पॉइंट। तो इसको रेशियो को आप ले लेना 1:1 ले सकते हैं, ठीक है, 2/2 कट के 1:1 हो जाता है। और आप और डायरेक्ट पता है इस बार, क्योंकि देखो जब रेशियो सेम आ रहा है ना 2:2, मतलब क्यू मिड पॉइंट है, इस केस में भी क्यू मिड पॉइंट है। देखो ना क्यू 2 पॉइंट उधर पीछे है और 2 पॉइंट इधर पीछे है, ठीक है, बिल्कुल बीच में है। तो आप डायरेक्ट क्यू के ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर चाहते हैं क्यू का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है एक्स डबल डैश को, बेटा कैसे निकाल सकते थे, देखो आप X1 + X2/2 से वाई डबल डैश निकाल सकते थे आप, Y1 + Y2/2 से, क्योंकि यहाँ पे क्यू एग्जैक्ट बीच में आ रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन अब जब बात करेंगे अपन आर की, फॉर आर, तो क्यू को आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर रेशियो 1:1 लेकर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख ही रहे हो कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला केस लगा के भी निकाल सकते हैं। अब जब आर की बात आती है, तो पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए से आर तक जाना है, और फिर आर से बी तक जाना है। तो देखो बेटा ए से आर कितना पार्ट है, 1 + 1 + 1 3 पार्ट है, और आर से बी कितना पार्ट है, 1। तो जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में थर्ड वाले के कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, आर के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो रेशियो 3:1 लेना, रेशियो 3:1 लेना। अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था मेरे स्टैंडर्ड तरीका था, मतलब इस तरीके से करोगे ना तो फंसोगे नहीं, लेकिन अब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जरूरी थोड़ी लगाओगे, कई बच्चे होशियार हैं, एक्सट्रीमली जीनियस हैं भाई, है ना, तो वो पता है क्या तरीका लगाएंगे, वो गौर से क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जो असली मैथ्स के बच्चे होते हैं, जिनको जो समझ के एक्चुअल में समझ के करते हैं, वो तरीका क्या लगाते हैं, पहले देखते हैं क्यू जो है ना, क्यू वो ए और बी के एग्जैक्ट बीच में, मतलब क्यू पूरा ए बी का मिड पॉइंट है। तो बच्चे क्या करेंगे, उनका टारगेट हो जाता है, पहले ये जो मैंने तरीके सिखाए हैं वो निकालते ही सीधे क्यू पे दौड़ते हैं, क्यू की वैल्यू निकालते हैं मिड पॉइंट से। पहले वो क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू निकालते हैं मिड पॉइंट से, ठीक है। जब क्यू की वैल्यू आ जाती है, तो वो देखते हैं अब ए और क्यू के बीच में पी मिड पॉइंट, ए और क्यू के बीच में पी मिड पॉइंट है, तो फिर से वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, ए और क्यू के बीच का पी निकाल लेते हैं। फिर वो देखते हैं क्यू और बी के बीच में आर मिड पॉइंट है, क्यू और बी के बीच में आर मिड पॉइंट है, ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, बाकी मैंने ये जो आपको अभी समझाया था, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप इससे करोगे तो फंसोगे नहीं, वो इजी तरीका है। बट इजी चीजें कब होंगी, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आपको मैथ्स इजी बनेगी, ठीक है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट वही समझा देता, बट वो स्टैंडर्ड तरीका है नहीं ना आपका, वो आपकी प्रैक्टिस के साथ आएगा, नंबर उसमें भी नहीं कटते, ठीक है, नंबर उसमें भी नहीं कटेंगे। तो देखो अब हमारा केस 4, तो केस 4 में क्या है कि इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस 4 पॉइंट हैं, डिवाइड्स AB इनटू 5 इक्वल पार्ट्स इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो देखो बेटा गौर से, बाकी तुम्हें ये चीज समझाने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, सबको वन 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 मान लो, ठीक है। तो जैसे अब मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, आने को P Q R, S, ठीक है, इसके तो स्टैंडर्ड आई X1 Y1 और X2 Y2, इसके हम मान लेते हैं X, Y पहले में मान लेते हैं, फिर X' Y' मान लेते हैं, फिर X" Y" मान लेते हैं, और X" और Y" मान लेते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सर पहले P के X' Y' क्यों नहीं माने, अरे वो तरीका है, मर्जी है, चार चार कॉमा लगा ऊपर तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ना थोड़ा सा हेडक बचाने के लिए कर दिया। आप एक्स पी को X' Y' ऐसे करके एस पे चार चार बार डैश डैश लगा देते हैं, वाई पे डैश 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ समझो, आप मेन चीज समझो। तो जब आपको 5 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में पी के कोऑर्डिनेट निकालने को आए, और पी, तो पी के लिए देखो रेशियो कहाँ से आता है, रेशियो एक बार ए से पी आता है और एक बार पी से बी आता है, ठीक है। तो फॉर पी
पी। पी से पहले तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ए से पी जाना और फिर पी से एंडिंग पॉइंट बी तक जाना। तो देखो ए से पी तो एक ही पार्ट है और पी से बी तो देखो ऐसे देख लो, मार्क कर लो वन 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 वन, तो ए से पी वन और बचे एक चार पार्ट और, तो वन रेज टू फोर। देखो ना पांच वन गए, वन प्लस फोर फाइव पार्ट हो गए। ऐसे फॉर क्यू, क्यू के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ए से क्यू जाना है और फिर क्यू से एंडिंग पॉइंट बी जाना है। तो देखो बेटा ए से क्यू मेरे टू पार्ट हैं और क्यू से भी थ्री पार्ट हैं, टू प्लस थ्री फाइव बन रहा है। फॉर आर, तो ए से आर जाना है और आर से बी जाना है। तो ए से आर तो बच्चों तीन पार्ट है और आर से भी दो पार्ट, देखो पांच। फॉर एस, एस के लिए ए से एस जाना है और एस से बी जाना है। तो ए से एस बेटा चार पार्ट है और एस से बी हमारा एक पार्ट है। तो यार देखो एग्जांपल सिक्स देखते हैं अपन। तो एग्जांपल सिक्स में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कह रहा हमारे पास ना एक लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी है, ए बी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए थे बेटा फोर कॉमा माइनस थ्री और बी के कोऑर्डिनेट दिए थे एट कॉमा फाइव। अब इस लाइन को, इस लाइन को क्या कर रहा है कि एक पॉइंट पी जो है, पी वो थ्री रेस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, थ्री रेस टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको क्या करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो तुम लोग कंफ्यूज ना हो ना, अब तुम लोग नीचे ऐसे लिख लिया करो, ये एक्स वन है, ये वाई है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है, ये हमारा एम वन है और ये हमारा एम टू। धड़ धड़ बस वैल्यू रखनी और आंसर निकालना। तो पी का जो एक्स आएगा, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। उसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों पी का एक्स वाला, एम वन हमारा थ्री है इंटू एक्स टू अपना एट प्लस वन इंटू फोर और थ्री प्लस कॉमा वाई। तो y की वैल्यू बात करते हैं, 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है 3 प्लस 1। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते जाते हैं, तो 24 प्लस 4 हाँ अपॉन में 4 और y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15 माइनस 3 अपॉन में, तो 28 बाई 4 और ये हमारा 12 बाई 4, ठीक है। तो जब आप इसको काट दोगे, काटोगे पीटोगे ना, तो जो हमारा x आएगा वो हमारा आएगा बेटा 7 और जो y आएगा वो हमारा आएगा 3, ठीक है 7 कॉमा 3। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट p इज 7 कॉमा 3, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट पी है, रिक्वायर्ड पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट है 7,3। बोला देखो एग्जांपल 7 में, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, मतलब इस बार रेशियो नहीं दिया है, डज द पॉइंट -4,6, ये -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब -4,6 डिवाइड कर रहा है, बीच में आएगा the line segment joining the points A and B। तो आई होप क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक A और B है, ठीक है, -6,10 इसके कोऑर्डिनेट है और उसके 3,-8, ठीक है। और इसके ऊपर एक पॉइंट है बेटा P,
इसके ऊपर एक पॉइंट है P, ठीक, एक पॉइंट क्या है हमारा P है ना। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर जो पॉइंट P है ना आपका, उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, -4, 6। बस इस बार दिया क्या नहीं है, रेशियो, ठीक है, इस बार क्या नहीं दिया है, तो रेशियो। अब दो तरीके होते हैं, पहला तरीका तो यही है कि देखो भैया एम वन एम टू की वैल्यू नहीं पता है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, एम वन एम टू को छोड़कर, एम वन एम टू को छोड़कर सारी वैल्यूज पुट कर दो, दो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक बार एम वन की वैल्यू आएगी, एक बार एम टू की वैल्यू आएगी, ठीक है। यह एक छोटा सा तरीका है, तो आप छोटे से तरीके को सीखने की कोशिश करो कि जब भी आपको रेशियो ना दिया जाए ना बेटा, ठीक है, जब भी आपको रेशियो ना दिया जाए तो आप ये हमेशा उस केस में रेशियो लेंगे कि लेट द रेशियो बी के रेस टू वन, हमेशा हर बार जब भी आपको रेशियो ना दिया जाए तो आप रेशियो लेंगे के रेस टू वन। भी के रेस टू वन का मतलब समझते हो, साइड में बताता हूँ, के रेस टू वन का मतलब होता है के अपॉन वन होता है, ठीक है, के रेस टू वन का मतलब क्या है, के बाई वन। तो देखो इसमें हमारा ये बन जाएगा एम वन और ये बन जाएगा एम टू, ये हमारा क्या बन जाएगा एम वन, और वो हमारा बन जाएगा एम टू। अब कुछ नहीं करना, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा, तो बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो अब इस मेथड से क्या हो जाएगा ना, के रेस टू वन लेने से ये हो जाएगा कि आप वो जो लीनियर इक्वेशन बनती है ना इन टू वेरिएबल, उनको सॉल्व करने से बच जाओगे, डायरेक्ट आंसर आने वाला है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और सिर्फ एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ही सॉल्व करोगे तो ही आ जाएगा, वाई में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना मैं बता रहा हूँ। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला, हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है कि एक्स होता है हमारा, एक्स जो है ये वाला, अब इसके ऊपर मार्क भी करो क्योंकि तुम भूल जाओगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, और इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं वाई। तो जो हमारा एक्स बीच वाले पॉइंट का होता है वो क्या होता था, एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और जो वाई के कोऑर्डिनेट आते हैं वो एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। तो एक्स का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी बेटा आपको -4 दिया हुआ है, एम वन आपका के है ही, एम वन के है ना, इनटू एक्स टू, तो एक्स टू है बेटा आप 3, प्लस एम टू कितना है 1, और एक्स वन कितना है -6, और नीचे के प्लस 1, नीचे कितना है के प्लस 1, गौर से देखो, तो यहाँ पे -4 k+1, ये नीचे डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इधर 3k-6, तो आप ब्रैकेट खोलेंगे, -4k-4 = 3k-6, माइनस का 4k इधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो -4 + 6 = 3k + 4k, 7k, और इधर आ जाएगा 2, तो k की वैल्यू बेटा 2/7, के की वैल्यू कितनी आई 2/7, ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई 2/7। तो अब तुम जो है ना वो के, देखो मैंने बोला था ना रेशियो का मतलब, तुमने रेशियो क्या लिया था, के रेस टू वन, जिसका मतलब क्या होता है k/1, तो वो तुम्हें आप वैल्यू रखो के की, तो 2/7 अपॉन में 1 क्या आ जाएगा, 2/7 है ना, 2 अपॉन, ये नीचे का 7 आ जाएगा, द रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना आ रहा है 2:7, ठीक है, के रेस टू वन का मतलब के अपॉन वन होता है ना, के की जगह 2/7 रख दिया, वो 7 हो नीचे से और नीचे चला जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। देखो के की जो भी वैल्यू आएगी वही रेशियो, लेकिन इस केस में जैसे अभी यहाँ पे क्या आया था, के की वैल्यू 2/7 आई है, तो रेशियो जो है ना तुम्हारा यहाँ पे रेशियो इज 2:7, लेकिन अगर के की वैल्यू सिर्फ 3 आती तो, सिर्फ 3 आती तो आपने क्या ले रखा था, के रेस टू वन ले रखा था ना, तो उस केस में द रेशियो इज 3:1, तब वो 3:1 बन जाता, लेकिन अगर के की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ना 2/7 आ रही है ना, तो 2/7 में फ्रैक्शन हटाकर उसे रेशियो में 2:7 में कन्वर्ट कर देना,
लेकिन अगर k की वैल्यू होल नंबर आए जैसे 3 आ जाए तो रेशियो हो जाएगा 3:1, क्योंकि पीछे 1 भी तो है। ठीक है, तो ये तरीका है। चलो ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया था। चलो अब बेटा देखते हैं अपना अगला एग्जांपल, एग्जांपल 8। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8। तो एग्जांपल 8 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन है यहाँ पे, तीन इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। कह रहा है ए और बी को जो है ना कोई दो पॉइंट जो है तीन इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। ए है ये रहा 2, -2, और एक बी है बेटा -7, 4। मान लो हमारे पास एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। इसको एक्स डैश वाई डैश ले लेते हैं और इसको एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ले लेते हैं। ठीक है, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ले लेते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आप थ्री इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, ये पार्ट और ये पार्ट सब बराबर। ठीक है, तो मैं यूज क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले लिख देना कि बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो होता क्या है वो ये कहता है कि भैया जो किसी भी बीच के पॉइंट का एक्स वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करने से, और वाई वाला जो आएगा वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 करने से। ठीक है, चलो तो हम सीधे पी की बात करते हैं। फॉर पी यहाँ पे हमें ए से पी जाना है और फिर पी से बी जाना है, तो रेशियो देखो ए से पी 1 और पी से बी 2। ठीक है, अब रेशियो पता नहीं, ये हमारा एम वन हो जाएगा, ये हमारा एम टू हो जाएगा, ये हमारा एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो गौर से। ठीक है कि यहाँ पे हमारा जो एक्स डैश है बेटा, एक्स डैश वो आएगा m1 इस केस में 1 है। ठीक है, इस केस में हमारा m1 1 है, p के केस में 1 इनटू x2 -7 प्लस, ठीक है 2 इनटू, ठीक है 2 इनटू x1 हमारा 2 है और नीचे 1 प्लस, तो -7 प्लस 4 अपॉन में बेटा 3, ये आ जाएगा -3/3। तो ये जो x डैश की वैल्यू है वो -1 आ गई, और फिर अब हम निकालेंगे y डैश। ठीक है, y डैश, तो y डैश क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, गौर से देखना, y डैश तो y डैश आ जाएगा m1 यानी 1 इंटू y2 हमारा माइनस नहीं 4 है सॉरी प्लस 2 इंटू -2 अपॉन में 1 प्लस 2, तो 4 -4 अपॉन में 3, 0/3। तो y डबल डैश y सिंगल डैश जो है हमारा वो 0 आ जाएगा, y सिंगल डैश कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो p तो आ गया आपका -1, 0, ये हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, p हमारा जो है वो कितना आ गया -1, 0। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -1, 0। अब बात करते हैं q की, तो क्यू के लिए रेशियो बदलेगा यहाँ पे, क्यू के लिए रेशियो बदल जाएगा। तो फॉर क्यू, क्यू के लिए रेशियो पहले तो ए से क्यू जाना और फिर क्यू से बी। तो ए से क्यू जब तुम जाओगे ना बेटा, ए से क्यू तो देयर विल बी 2 पार्ट्स एंड q to b इज 1 पार्ट, तो रेशियो विल बी 2:1। रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो क्यू के जो कोऑर्डिनेट एक्स वाला था उसको एक्स डबल डैश से रिमूव किया, तो पहले हमें एम वन, इस बार हमारा एम वन ये है और एम टू ये है, तो भैया ये हो जाएगा 2 इंटू x2 हमारा -7 प्लस 1 इंटू 2,
अपॉन में 2 + 1। ऐसे वाई डबल डैश की बात करेंगे बेटा, तो इस बार देखो बस ये वाली, ये दो वैल्यू एक्सचेंज होंगी, ठीक है, जो उल्टी हो जाएंगी, रिवर्स कर देंगे। तो देखो ये हमारा 2 × 4 हो जाएगा और +1 × -2 हो जाएगा, अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा गौर से, अब यहाँ गौर से देखेंगे हम अपना आंसर्स निकालेंगे। तो देखो -14 + 2/3, -12/3, -4। y डबल डैश की बात करते हैं तो 8 - 2/3, 6/3, ठीक है। तो y डबल डैश आपका बेटा 2 आ जाएगा और x डबल डैश -2 आ जाएगा, x डबल डैश कितना हो जाएगा -4। तो लिखना तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज -4, 2। लास्ट में लिखा ना कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज -1, 0 एंड क्यू इज -4, 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एग्जाम्पल 9 देखो, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, इस बार पॉइंट जो है ना, बीच वाला पॉइंट जो डिवाइड करने वाला वाई एक्सिस पे है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो लाइन है ना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होते हैं। इनके बाद जो पॉइंट दिए होते हैं वो आपके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट है बेटा, लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी आ रही है, ये ए है और 5, -6 इसके कोऑर्डिनेट दिए, और बी दिया हुआ है आपको -1, -4, -1, -4, ठीक है। कह रहा फाइंड द रेशियो, इस बार रेशियो नहीं दिया है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, सुनो, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मान लो बीच में यहाँ पे है वो पॉइंट पी, वो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उसके, 0, 4। लेट द पॉइंट पी वी 0, y, ठीक है, पॉइंट पी क्या हमारा 0, y, एंड द रेशियो भी, तो रेशियो नहीं दिया तो आपको पता है क्या लेना है, k^1, क्या लेना है, k^1 लेना, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए, ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, वो कहता था जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये यहाँ पे देखो मैं ऐसे ना करके मार्क कर रहा हूँ, x1, y1, x, y, और x2, y2, ठीक है। वैसे यहाँ x हमारा ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आता था सेक्शन फॉर्मूला से, m1 x2 m2 x1 upon m1 + m2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 y2 m2 y1 upon m1 plus, बस। तो वैल्यू रखो, x की वैल्यू ऑलरेडी आपको बेटा अंडा 0 दिया हुआ है, m1 हमारा k है, m1 हमारा क्या है k, और m2, अच्छा इसके साथ x2 लेना है, तो x2 हमारा कितना है -1, प्लस m2 हमारा 1 है, इसके साथ हमें कितना लेना है 5, और नीचे k + 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही होना, तो -k + 5, अभी उधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 5, है ना, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, यहाँ पे k की वैल्यू बच्चों 5 है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर रेशियो क्या है, अरे रेशियो k^1 था ना, तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 5^1, k की जगह k की वैल्यू रख दो और 1/1, तो इस बार रेशियो कितना है 5^1। अब यहाँ y की बात भी आती है, अभी y, ठीक है, y इसके कंटिन्यू में करना, तो y तो पता ही नहीं है,
M1 पता है इस बार, M1 अब पता है बेटा आपको, अब ये M1 हो जाएगा और ये आपको M2 लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, 5 इंटू, नीचे कर देता हूँ नहीं तो फिर तुम लोग सोचोगे सर ने क्या किया कैसे कर दिया। तो देखो वाई का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना वो 5 इंटू y2, तो y2 हमारा बेटा है -4, y2 कितना है -4 प्लस m2 1 है, और y1 की बात करूँ तो y1 है बेटा -6, और नीचे 5 प्लस 1, तो -20 -6, ठीक है, -20 -6 अपॉन में 6, तो -26/6, तो y की वैल्यू बेटा -13/3, y की वैल्यू कितनी है -13/3, तो लिखना द रिक्वायर्ड पॉइंट P is 0, comma -13/3 and the ratio is 5:1, ठीक है, ratio कितना है 5:1। तो example 10 देखो बच्चों, कह रहे हैं if A, B, C, D इनके points भी दिए हुए हैं and vertices of the पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर तो आपको भी ऑर्डर में लेनी है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी ए बना रहे हैं, कहीं भी बी बना रहे हैं, कहीं भी सी बना रहे हैं, नहीं भैया, ठीक है, ऑर्डर में ही लेनी है। इस तरीके से देखो, ए बी सी डी ये है ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब, अब ये नहीं कि किसी का मन कर रहा है इसको डी बना रहा है, इसको बी बना रहा है और इसको सी बना रहा है, ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है ना। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर में लेना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो भाई, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 6, 1, 8, 2, 9, 4 और ये है P, तो आपको फाइंड करना है P की वैल्यू। अब भैया बहुत गौर से समझना और मैं बोल दूं तो एग्जांपल 10 जैसे क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर में MCQ में आते ही आते हैं और हर बार आए हैं, ठीक है, हर बार आए हैं तो इस बार भी आएंगे, देयर इज नथिंग यूनिक और स्ट्रेंज, आना ही तय है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने, तो यहाँ देखो अब पैरेललोग्राम के ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, ठीक है, कि जब कोऑर्डिनेट्स गायब हो किसी भी एक वर्टिसेस के या दो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट गायब हो तो देखो आपको करना क्या है, आपको ये चीज तो सबको पता हो कि ना डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, parallelogram के diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं, मतलब जब तुम A से C को जोड़ोगे और B से D को जोड़ोगे और मान लो ये O पे bisect कर रहे हैं, तो जितना A से O है उतना ही O से C है, मतलब O midpoint हो गया AC का, जितना A से O है उतना ही O से C है, इसका मतलब क्या है, O is the midpoint of C, ऐसे ही OB जो है वो OD के बराबर हो जाएगा, OB भी OD के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और O again BD का midpoint हो जाएगा, O again जो है वो क्या हो जाएगा, BD का midpoint हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी चीज समझ आ रही है, O एक बार AC का midpoint है और O एक बार BD का midpoint है, ठीक है ना, O एक बार AC का मिड पॉइंट है, O आपका BD का मिड पॉइंट है, तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट x, y, इस O के कोऑर्डिनेट x, y, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि देखो O is मिड पॉइंट, therefore O is मिड पॉइंट ऑफ बोथ
एसी एंड बीडी, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वही क्या होंगे, वही कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि एसी और बीडी का मिड पॉइंट सेम है ना, पर वो कौन है, वो तो एसी से जब तुम मिड पॉइंट निकालो और बीडी से मिड पॉइंट निकालो तो वो एक ही सी सेम ही चीज आनी है ना, आनी है कि नहीं आनी है, तो यहाँ गौर से समझो। अब यहाँ अंकन लगाएंगे बड़ा सा और देखो, अब मैं सबसे पहले इस साइड में एसी के मिड पॉइंट निकालने जा रहा हूँ, एसी का मिड पॉइंट, तो एसी का जो एक्स है ये वाला एक्स, वो कैसे आता, वो आता एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वाला जो इसका वाई वाला आता, ये इसका वाई वाला जो आता है वाई वाला, वाई वन प्लस वाई टू वाई। तो देखो एक्स वन यहाँ पे हमारा क्या है, सिक्स प्लस नाइन, ठीक है, अपॉन में टू, और वाई वाला क्या आता है बेटा, वन प्लस फोर अपॉन टू, तो यहाँ पे जो एक्स वाला आता है इसका, ये एक्स वाला ये तो फिफ्टीन बाई टू आ जाता है, और वाई वाला आ जाता है फाइव बाई टू। अब बी डी के मिड पॉइंट निकालो जरा, बी डी के मिड पॉइंट, बी डी के मिड पॉइंट क्या आते हैं, एट प्लस पी बाई टू है ना, और टू प्लस थ्री बाई टू, एट प्लस पी बाई टू और ये फाइव बाई टू। तो तुम देख रहे हो दोनों के y तो सेम है, यानी मिड पॉइंट तो सेम ही है। अब बची क्या, अब बच रहा है आपका ये 15 by 2 और 8 plus p by 2, इनको कंपेयर कर, तो 15 by 2 जो है वो 8 plus p by 2 के बराबर आ जाएगा। पता है ये इक्वल क्यों रख रहे हैं भैया, ये देख रहे हो ना दोनों के y वाले तो सेम है, तो x वाले भी सेम ही होंगे, इक्वल कर देते हैं, उसे 2 कटेगा, 15 minus 8 is equal to p, पी की वैल्यू 7, पी की वैल्यू 7 आएगी। तो देखो बेटा अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, मतलब दो पॉइंट है, इसको ए मान लेते हैं और इसकी वैल्यू दी है -1.7 और दूसरा बी दिया है 4.-3 और उसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट ही निकालने, और रेशियो कितना दिया 2:3, ठीक है, आप इसको 3:2 मत कंसीडर करना, ए से पी 2 दिया है और P से B 3 दिया है, ऐसा नहीं करना कि A से B 3 कर देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक करे हुए नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो अब देखो करना क्या, सेक्शन फॉर्मूला लगाना, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और सिंपलीफिकेशन पर्पस x1 y1 x2 y2 m1, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो भैया पी का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, पी का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 x2 m2 x1 m1 plus m2 से, और इसके वाई की जो वैल्यू आएगी m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2, बस अब वैल्यू रखनी है। तो m1 है 2, x2 है 4, प्लस 3 into minus 1 upon में 2 plus 3, तो 8 minus 3 by 5 5 by 5, x की वैल्यू 1, और यहाँ पे y के साथ करना, तो 2 into -3 plus 3 into 7
अपॉन में 2 + 3 -6 + 21 अपॉन में 5 तो 3/5 वाई की वैल्यू ठीक है। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट पी इज 1, 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। इस बार जो हमारी लाइन है ना हम लाइन ए बी मान लेते हैं। ए ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -3 ठीक है। और इसको दो पॉइंट पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x, y और इसको मान लेंगे x'y' ठीक है। तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ठीक है। तो यहाँ लिखना कि हम यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जो हमारा x वाला आएगा ना वो आएगा m1 x2 m2 x1 m1 + m2, y वाला आएगा m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2 तो फॉर पी पी के लिए रेशियो लेना है ap/pb। ए से पी एक पार्ट तो ए से पी एक पार्ट है और पी से बी दो पार्ट है 1:2। तो x m1 कितना है हमारा 1 है, x2 कितना है तो देखो ये x1 y1 x2 y2। तो देखो बेटा 1 × -2 + 2 × 4 1 + 2 y के भी रख लो फिर सॉल्व कर लेंगे अपन। तो y का वैल्यू क्या होगा 1 × -3 + 2 × -1 1 + 2 - 2 + 8/3 6/3 x की वैल्यू 2 और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे -3 - 2 / 3 तो -5/3 y की वैल्यू -5/5 तो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 2, -5/3 ठीक है। तो अब बेटा q की बारी आई, तो फॉर q aq/q भी लेना है तो a से q दो पार्ट और q से 1 एक पार्ट 2:1 तो x इज इक्वल टू ठीक है 2 × ठीक है x2 + 1 × 4 / 2 + 1 ठीक है। वैल्यू रखना हो ये जो 2 है ना वो हमारा m1 है इस बार और -2 जो है वो हमारा x2 है, ऐसे ही 1 जो है हमारा वो m2 है और 4 जो है हमारा x2 है और ऐसे ही y का ये x' है सॉरी और ऐसे y डैश निकलेगा तो y डैश कैसे निकलेगा बेटा 2 × -3 + 1 × -1 अपॉन में 2 + 1 ठीक है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे -4 + 4 / 3 तो 0 आ गया, इसको सॉल्व करोगे -6 - 1 / 3 -7/3 ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 और y डैश हमारा -7/3। तो देख लेना दार रिक्वायर्ड
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर, पी के पहले लिखेंगे 2, -5/3 एंड क्यू के बाद में लिखेंगे 0, -7/3 रिस्पेक्टिवली। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड में हो रही है, चौक से लाइन ड्रॉ की गई है और क्या बोलते हैं एक एक मीटर के डिस्टेंस पे मार्किंग भी की गई है, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, ठीक है, और हर एक फ्लावर पॉट एक दूसरे से एक एक मीटर की दूरी पर रखा गया है एडी के अलावा, डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर, निहारिका जो है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। अब निहारिका के कोऑर्डिनेट्स पहचानने हैं। हमारे पास ना दो लड़कियां हैं, एक निहारिका है और एक प्रीत है, ठीक है। तो मान लो बेटा ये हमारी निहारिका है, यहाँ पे निहारिका, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या दिए हैं। निहारिका सेकेंड लाइन पे, ठीक है, कौन सी लाइन पे इस समय? निहारिका जो है बेटा वो हमारी सेकेंड लाइन पे है, ठीक है, सेकेंड लाइन पे, और डिस्टेंस कितना कवर कर चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस का 1/4 ऑफ AD, ठीक है, 1/4 ऑफ AD। और यहाँ पे याद रखना AD जो है आपको 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर। दूसरा है प्रीत, ठीक है, तो प्रीत के बारे में क्या बोला है कि प्रीत जो है ना 8th लाइन पे, ठीक है, 8th लाइन पे, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8th है और उस पे 1/5 एडी का 1/5 जो है वो कवर कर चुकी है। तो देखो अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट निकालने बैठूँ ना, तो देखो इसके क्या आ जाएंगे, निहारिका के 1/4 ऑफ 100, ठीक है, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा 2.25, ठीक है, 1/4 ऑफ 100 करेंगे 2.25। और ऐसे ही अगर मैं इनको प्रीत के करने होते तो 8, 1/5 ऑफ AD, AD 100 है, तो ये 8.20 होते, ठीक है। तो अब क्या बोला है, सुनो, समझ में आ गई बात। तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका दौड़ी और निहारिका को दौड़ करना, ग्रीन फ्लैग पोस्ट करना है, ऐसे करके हरा झंडा जो है वो फहराना है, ठीक है, कौन सा झंडा फहराना है, निहारिका को बेटा ग्रीन फ्लैग पोस्ट करना है, ठीक है, ग्रीन वाला बहुत चौड़ा हो जाएगा, तो निहारिका को जो है ग्रीन फ्लैग पोस्ट करना है, ये वाला इस तरीके से निहारिका को ग्रीन फ्लैग पोस्ट करना है। और अगली लड़की जो है हमारी प्रीत, पता नहीं चल रहा लड़की है लड़का जो भी है, ठीक है, तो प्रीत जो है उसको एक रेड फ्लैग होस्ट करना है, प्रीत को यहाँ पे एक रेड फ्लैग होस्ट करना है, देखो ये इस तरीके से लाल झंडा फहराना है, समझ में आ गई बात, प्रीत को एक लाल झंडा फहराना है। तो अब कह रहा है दोनों झंडों के बीच में दूरी कितनी, लाल वाले और हरे वाले के बीच में, और रश्मि को बिल्कुल एग्जैक्ट, एक तीसरी लड़की है रश्मि, रश्मि को एक बिल्कुल बीच में, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में, मिडवे में एक ब्लू कलर का फ्लैग होस्ट करना है, रश्मि को एक नीले रंग का झंडा फहराना है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, ये रहा। तो आपको ये बताना है कि रश्मि कहाँ पे, रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या है, यानी रश्मि को कहाँ पे झंडा फहराना है। तो मैं मान लेता हूँ रश्मि जो है वो x, y पे झंडा फहराएगी। तो पहले तो पूछा भैया निहारिका और प्रीत के झंडे के बीच में डिस्टेंस कितना है, एनपी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना ना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो देखो भाई अब यहाँ देखेंगे अपन, तो ये हमारा हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 20 - 25 का
होल स्क्वायर, सिक्स का होल स्क्वायर और माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा 36 प्लस 25, ठीक है, ये बीच की दूरी कितनी आई बेटा, रूट 61 यूनिट्स एनपी, बस यही छोड़ना है। अब रश्मि के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, तो रश्मि एग्जैक्ट मिडवे में है, मतलब रश्मि मिड पॉइंट पे है, ठीक है। तो जो एक्स के वो आएंगे वो कैसे आएंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और वाई वाला आएगा इसका वाई वन प्लस वाई टू बाई, तो बस वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। तो एक्स वन था आपका टू प्लस एट अपॉन में टू फाइव, और y वाला था 25 प्लस 20 अपॉन में 2 45 बाई, ठीक है, इसको 22.5 भी लिख सकते हैं। तो y आ जाएगा 22.5, तो लिखना द रश्मि, द नहीं रश्मि, तो रश्मि वेल होइस्ट द फ्लैग एट 5.45 बाई, ठीक है, 22.5 भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, 5.45 बाई 2 भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, नंबर इस चीज के नहीं कटते हैं, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एट फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ लीजिए आप, तो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ये हमारी लाइन सेगमेंट है, एक ए और बी दो पॉइंट है, माइनस थ्री कॉमा टेन और सिक्स कॉमा माइनस एट, इसको डिवाइड कर रही है एक पॉइंट पी, ठीक है, माइनस वन कॉमा सिक्स पे हमें रेशियो निकालना है। तो हमने कहा कि लेट द रेशियो बी के रेस टू वन, और बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक्स वन वाई वन माना जाता है इसको, एक्स टू वाई टू मानते हैं इसको, एक्स कॉमा वाई मानते हैं, एम वन एम टू मानते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स के कोऑर्डिनेट आते बेटा एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन, m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट आते m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 से, देखो तो x हमें पहले से ही माइनस वन दिया है, m1 कितना है मेरा, m1 है बेटा k into x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 into माइनस 3, ठीक है, अपन नीचे k प्लस के प्लस वन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिक्स के माइनस थ्री माइनस के माइनस वन, सिक्स के माइनस थ्री, माइनस का के इस तरफ आएगा सिक्स की तरफ और माइनस थ्री उधर, तो माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स के प्लस के, सेवन के है ना, और के की वैल्यू क्या आएगी टू बाई सेवन, तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज टू रेस टू सेवन, जैसा आता है ना वैसे ही एज इट इज लिखना है, ठीक
जैसा आया ना वैसा एज इट इज लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी. मतलब आपकी लाइन सेगमेंट है ए और बी. ए है 1, -5 और ये बी है -4, -5. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ ना मैं, वो आपके एग्जांपल 9 के जैसा है. ठीक है, एग्जांपल 9 के जैसा है. तो क्या कह रहा है कि ए बी नाम की लाइन जो है उसको एक एक्स, एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे है वो डिवाइड कर रहा है. तो जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0. लेट द पॉइंट बी पी, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0. ठीक है, और रेशियो भी निकालना है, और रेशियो भी निकालना है, और x की वैल्यू भी निकालनी है, x भी निकालना है, रेशियो निकालना है. अंदर रेशियो बी, अंदर रेशियो बी के रेस टू 1. रेशियो कितना होगा हमारा, के रेस टू 1 हमारा रेशियो होगा. ठीक है, के रेस टू 1. देखो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो जो x के कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2. y के कोऑर्डिनेट आते हैं m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 plus m2. ठीक है, तो x को तो x ही रहने दो. m1 हमारा k है into x2 हमारा -4. मार्क करो यार, कंफ्यूज मत हो, बस मार्क करो. ठीक है, मेरे कहने में क्यों चलना, अपने लिए इजी बनाओ क्वेश्चन. चलो तो देखो बेटा, अब प्लस 1 into x1 कितना है 1, k प्लस 1. ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे -4k+1 अपॉन में k+1. यहाँ अटक चुके हो आप, इसको इक्वेशन 1 डाल दो. ठीक है, अब हम चलते हैं y की तरफ. तो ये x है हमारा x, दिस इज x. तो y की वैल्यू निकालते हैं, m1 है k into, अच्छा y की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी है क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे ना, तो ये ऑलरेडी 0 दी हुई है. तो k और y2 हमारा 5 प्लस, ठीक है, प्लस 5, पर m2 हमारा इस बार 1 और y1 है -5 अपॉन में k+1. ये 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 = 5k - 5 - 5 उधर, तो 5k = 5, k की वैल्यू 1. अभी k 1 आया तो द रेशियो इज 1:1. ठीक है, अब पुटिंग k = 1 यहाँ से निकाल लिया ना, यहाँ से तो यहाँ पुट किया है, तो x की वैल्यू आएगी -4 × 1+1 / 1+1. ठीक है बेटा, देखो -4 + 1/2 -3/2. So the required point P is -3/2, 0, and the ratio is 1:1. और ratio कितना है, 1:1. Example 6 कह रहा, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order. कुछ नहीं पता, पैरेललोग्राम पता है, बना दो. ए बी सी ऑर्डर में लेनी है, तो 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5. ठीक है, अब आपको पता है कि सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच
अदर। तो इसीलिए देखो भैया ए से सी और बी से डी दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मान लो ओ पे, तो ये बराबर, ये बराबर, मतलब क्या है ओ ए सी का मिड पॉइंट है और ओ बी डी का मिड पॉइंट भी है, इसको एक्स डैश वाई डैश ले लेते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ठीक है वो किसके बराबर होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड ऑफ नहीं है, मिड ऑफ मिड पॉइंट है ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बस बेटा देखो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, मिड पॉइंट तो यही होता ना x1 प्लस, देखो x1 x2 by 2 और ऐसे ही ठीक है 2 प्लस 6 by 2 किसके बराबर होगा, ठीक है किसके इक्वल होगा, इक्वल टू होगा बेटा 4 प्लस 3 by 2 कॉमा 5 प्लस y by 2। तो देखो बेटा अब x वाले x के इक्वल रख दो y वाले y के, तो 1 प्लस x by 2 is equal to 4 प्लस 3 by 2 और 2 प्लस 6 by 2 is equal to 5 प्लस y by 2, 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel ठीक है, 1 प्लस x is equal to 7, तो x की वैल्यू यहाँ 6 और 8 is equal to 5 प्लस y, तो y की वैल्यू आंसर खत्म, ठीक है क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पहले सर्कल बना ए ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ए बी उसका डायमीटर है ठीक है, सेंटर इज 2 कॉमा ओ मान लो सेंटर है जो कि 2 कॉमा माइनस 3 ऑलरेडी दिया हुआ है और बी की वैल्यू बेटा 1 कॉमा 4 दी है, कह रहा ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको हम एक्स वन वाई वन मान लेते हैं ठीक है। तो देखो आपको एक चीज पता है ना कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा, दैट इज O is, अच्छा अब कोई बच्चा सोच रहा होगा क्यों मैं बता दूं, AO और OB radii of same circle है, AO equal to OB क्योंकि ये same circle के radii है, तो that is O is midpoint of AB, O AB का midpoint है, O AB का midpoint है, तो O जैसे मान लो ये x1 y1 था, ये x2 y2 था और ये x comma y होता, तो x आता कैसे, x1 plus x2 by 2 और y कैसे आता, y1 plus y2 by 2, बस अब वैल्यू रखनी है, तो x की जगह 2, x1 unknown है और x2 1 upon में 2, नीचे का 2 उधर चला जाएगा, 4 is equal to x1 plus 1, 1 उधर चला जाएगा, तो x1 की वैल्यू 3, ऐसे ही y, minus 3, y1 unknown है और y2 हमारा कितना है, तो y2 अपना 4 है, अपॉन में 2, नीचे का ये उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, ये उधर माइनस आएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू y1, द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 3 कॉमा माइनस 10, सस्ता सा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, तो इफ a और b ठीक है, a और b की वैल्यू दी है, तो देखो a और b की वैल्यू क्या दी है, a दिया है माइनस टू कॉमा माइनस टू और b दिया है टू कॉमा माइनस फोर, p ना a b पे कोई पॉइंट है, p जो है हमारा a b पे कोई पॉइंट है और इस p के वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि x कॉमा y मान लेते हैं,
let P be x, let the point be, point तो दिया ही हुआ P है, ठीक है, तो let P be x comma y कर देते हैं, P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे x comma y। दिया क्या है यहाँ वो देखो कि हमें ये दिया है इस क्वेश्चन में कि AP is equal to 3/7 of AB। अब इसको बहुत गौर से समझो, है ना, अब आप लोग कहोगे सर रेशियो नहीं है, और रेशियो नहीं दिया है, दिया भी है दिख नहीं रहा है, तो मैं अगर ए बी को ए पी के नीचे ला दूँ, ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। अब इसका मतलब समझो, सुनो, इसका मतलब समझ लो, ए बी पूरा, ए से लेकर बी पूरा बेटा 7 पार्ट है, ए से बी पूरा कितना है 7 पार्ट, ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, देखो हमारा कि AP raise to AB जो है 3/7, मतलब A से लेकर B तक पूरा कितना है 7, और A से P है 3, ये 3 है, तो देखो हमें AB, अच्छा अगर मुझे ये निकालना हो, मान लो PB निकालना हो, मेरा PB निकालना हो, PB तो PB क्या आ जाता, AB में से AB माइनस करते, यानी 7 में से 3 पार्ट, तो ये हमारा ये कितना आ जाता है पी से भी, ये 4 पार्ट आ जाता है, 4 पार्ट, तो द रेशियो ए पी रेस टू पी बी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 3/4, तो आपको 3/7 नहीं लेना है, 3/4 लेना है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, 7 तो ए से बी पूरा है, पूरा ए से बी के टोटल 60 टुकड़े हो रहे हैं, जिससे जिसमें ए से पी तक 3 है और पी से बी तक 4 है, ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको ए पी रेस टू पी भी दिया होना चाहिए, आपको पता है ना, अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से पी और पी से एंडिंग पॉइंट तक का रेशियो होना चाहिए, तो ये आपका 3/4 आ गया है। अब तो बचा ही क्या है, तो वैल्यू रखो और आंसर निकालो, x1 y1 m1 m2 x2 y2 तो by using section formula x आता m1 x2 m2 x1 m1 plus m2 और y आता M1 Y2 M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब देखो बेटा यहाँ पे गॉस, तो M1 आपका है 3, X2 है आपका 2 प्लस M2 4 माइनस 2 और साथ में 3 प्लस 4, यहाँ पे भी 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 3 प्लस 4। तो देखो बेटा सुनो, 6 और माइनस 8 अपॉन में 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 2/7, और जब आप y निकालोगे माइनस 12 माइनस 8 अपॉन में 7 माइनस 20/7, तो y आ गया माइनस 20/7, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज माइनस 2/7 माइनस 20/7। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB, मतलब हमारा ए से बी एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा, ठीक है, माइनस 2, 2 और बी की वैल्यू है 2, 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको ना चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पॉइंट, एक बी है, एक क्यू है और एक आर, ये हमारा एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश,
तो कह रहा है पी क्यू आर के ना आपको वो निकालने कोऑर्डिनेट्स। तो एक तो तरीका है स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला अपनाने का, है ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीका है। कि स्टैंडर्ड तरीका किस तरीके से अपनाओगे वो मैंने सेम एक्सरसाइज की क्लास रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड की थी लास्ट ईयर, उस वाली वीडियो में देख लेना अगर आपको स्टैंडर्ड तरीके से जाना है। और एक इजी तरीका भी है जिसकी हम अभी इससे पहले बात कर चुके हैं कि जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाए तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें इजी वाले तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो अगर मैं बात करूँ, समझो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो मैं ए से क्यू देखता हूँ तो दो पार्ट है, क्यू से बी भी दो पार्ट है, मतलब क्यू जो है हमारा पूरे ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है हमारा यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, क्यू हमारा पूरा ए बी का क्या है बेटा, मिड पॉइंट। तो ऐसे लिखना कि हियर ए क्यू रेस टू क्यू बी जब मैंने देखा तो वो टू रेस टू टू दैट इज वन रेस टू वन, यानी यार सो, ठीक है। तो आप सो लिखना कि सो क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू क्या हमारा मिड पॉइंट है, 80 दिख रहा होगा आपको ना, सो Q is midpoint of AB. Q क्या है midpoint of AB का, ठीक है, Q क्या हो जाएगा AB का midpoint हो जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। तो जो Q के coordinate है ना x dash वो कैसे आएंगे, x1 plus x2 by 2 और y dash जो आएगा उसका y1 plus y2 by 2 से आ जाएगा, ठीक है। कहोगे ये x1 y1 कहाँ है, तो आप ये रहा है x1 y1, x2, y2. आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड वाले तरीके से जो मैं आपको इस चैप्टर के बेसिक्स में इस एक्सरसाइज के बेसिक्स में समझा रहा था उससे कर सकते हो, पर ये तरीका कहीं ना कहीं इजी है तो मैं तुम्हें इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस टू प्लस टू बाई टू ये आ गया बच्चों जीरो, ठीक है, ये हमारा जीरो आ गया, तो यहाँ ये हमारा हो गया जीरो। फिर अब y1 plus y2 करें तो बेटा y1 हमारा 2 plus 8 upon my 2, तो y की वैल्यू आ गई 5, 0, 5। अब देखो अब तुम जब चीजें समझोगे ना तो तुम्हें ये भी पता चलेगा जितना a से p है उतना ही तो p से q है, also ap is equal to pq that is p is midpoint of P is midpoint of AQ. P AQ का midpoint हो जाएगा. P जो है वो क्या हो जाएगा? AQ का midpoint हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे क्या लगाओगे? तो जो x आएगा ना आपका x वो इस बार कैसे आएगा? minus two plus zero upon में two. ठीक है? AQ पे midpoint लगा दो. AQ का midpoint P. तो a minus two और Q का x वाला zero. ठीक है? तो बेटा ये आ जाएगा माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, क्यू तो हमारा देखो कितना आ रहा था, क्यू आ रहा था जीरो कॉमा फाइव हमारा क्यू आ रहा था, जीरो कॉमा फाइव हमारा क्यू आ रहा था, यही नोट करते चलना, ठीक है। अब इसका वाई देखो ये वाला तो कैसे आएगा, टू प्लस फाइव बाई टू सेवन बाई टू, तो वाई की वैल्यू सेवन बाई टू, तो हमारा p कितना आ जाएगा बेटा माइनस वन कॉमा सेवन बाई, ये हमारा p आ जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखना, आगे चलते हैं अपन, तो तुम गौर से देखो कि b और q का मिड पॉइंट कौन है, r, also bq is equal to qr, that is q is नहीं bq नहीं, qr is equal to br, sorry qr is equal to br, ठीक है ना, आपका जो QR है वो BR के बराबर है बता दे, तो also QR is equal to BR, गौर से देखो भाई QR भी एक पार्ट है BR भी एक पार्ट है ना, तो QR is equal to BR that is R is midpoint of BQ,
तो जो आर के कोऑर्डिनेट है एक्स डबल डैश वो कैसे आएंगे, क्यू का जो एक्स वाला है जीरो और बी का जो एक्स वाला है टू, उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू, तो जीरो प्लस टू बाय टू, तो एक्स डबल डैश आ जाएगा वन। ऐसे ही वाई डबल डैश देखो, तो फाइव प्लस एट, फाइव प्लस एट अपॉन में टू, तो वाई डबल डैश थर्टीन बाई टू। तो लिख देना जो तुम्हारा आर है वो कितना आ गया बेटा, आर जो है तुम्हारा आया है वन कॉमा थर्टीन बाई टू। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, तो पहले P के लिखेंगे माइनस वन कॉमा सेवन बाई टू, फिर Q के लिखेंगे तो Q के थे जीरो कॉमा फाइव और फिर एंड R, ठीक है लिखेंगे R के कितने थे, तो R के थे वन कॉमा थर्टीन बाई टू रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोला है कि ना एक हमारे पास रोमबस है ए बी सी डी मान देता हूँ, ए ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं थ्री कॉमा जीरो, हमेशा ऑर्डर में लेना ठीक है, फिर फोर कॉमा फाइव माइनस वन कॉमा फोर माइनस टू कॉमा माइनस वन टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी और ये हमारा डी, ठीक है ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको बोलता क्या है कि आपको इस रोम्बस का एरिया निकालो, इस रोम्बस का एरिया निकालना। तो आपको पता है आप एट क्लास में पढ़ के आए थे कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है ना वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स यानी हाफ इनटू एसी इनटू बीडी। तो आप खुले आम आपको दिख रहा है कि लग क्या रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम एसी निकालते हैं बच्चों, एसी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखो भैया तो इसको हम कर लेते हैं माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर और फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे ना, ठीक है रूट थर्टी टू आता, रूट थर्टी टू है जो बेटा फोर रूट टू यूनिट्स होगा, फोर रूट टू यूनिट्स होगा, ठीक है। ऐसे ही बी डी का देखो, बी डी का क्या आएगा बच्चों, बी डी का तो बी डी का आएगा माइनस टू माइनस फोर का होल स्क्वायर और माइनस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तो माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस सिक्स का होल स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स रूट सेवेंटी टू, और रूट सेवेंटी टू को खोलोगे ना देखो दोनों में ना सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सिक्स बार रूट टू अंदर, क्योंकि थर्टी सिक्स इंटू टू आएगा, 36 6 का होता है रूट टू अकेला बच जाएगा यूनिट्स। ये मेरा BD है। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है एरिया ऑफ रोम्बस जो है हमारा, तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू फोर रूट टू इंटू सिक्स रूट टू। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू फोर इंटू सिक्स और रूट टू, रूट टू टू ठीक है फोर से, ठीक है अच्छा रुक जाओ, रूट टू और रूट टू ये टू होगा सॉरी, ठीक है तो रूट टू से ये वाला कट गया ना, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस। स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.2 और इस चैप्टर का जो है एनसीईआरटी के हिसाब से समापन हो रहा है, ठीक है चलिए।